एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कथित पोर्न रैकेट मामले में देर रात प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कुंद्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। उनके खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले में राज कुंद्रा को पिछले साल 20 जुलाई को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वो जमानत पर बाहर हैं। कुंद्रा पर हॉट शॉट्स नाम के ऐप के जरिए अश्लील फिल्में शेयर करने का आरोप लगाया गया था। कुंद्रा को पिछले साल सितंबर में जमानत मिल गई थी। इस केस के बाद अब एक्ट्रेस और उनके पति दोनों से जल्द पूछताछ की जा सकती है। ईडी की जांच में सामने आया है कि राज कुंद्रा की कंपनी में 13 अलग अलग अकाउंट से पैसे भेजे गए हैं। ये पोर्न फिल्मों से हुई कमाई है। ऐसे राज की कंपनी में आता था पोर्न फिल्म का पैसा। मुंबई पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक हॉट शॉट्स पोर्न मूवी का एक प्लेटफॉर्म था। इसके जरिए भारत में पोर्न मूवी को बनाकर इसे ऐप पर अपलोड किया जाता था। इसके बाद इसे देखने के सब्सक्रिप्शंस बेचे जाते थे। सब्सक्राइबर के जरिए होने वाली मोटी कमाई की रकम को मेंटेनेंस के नाम पर ट्रांजेक्शन करके राज कुंद्रा की कंपनी विहान में उसका ट्रांजेक्शन किया जाता था। इस तरह पोर्न फिल्मों की कमाई का जो पैसा यूके से घूमते हुए मेंटेनेंस के नाम पर राज कुंद्रा की कंपनी के अकाउंट में आता था। 13 बैंक अकाउंट में पैसों को घुमाया जाता था। सूत्रों के मुताबिक राज कुंद्रा और उनकी कंपनी वियान से जुड़े सभी बैंक अकाउंट्स में पोर्न मूवी से कमाई के हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शन मिले हैं। ये पैसे 13 बैंक अकाउंट्स के जरिए ट्रांसफर किए जाते हैं। इसके बाद इन पैसों को कुछ सेल कंपनीज में घुमाया जाता है और आखिर में राज कुंद्रा के पर्सनल बैंक अकाउंट में ये पैसे आ जाते थे। क्या है पोर्न रैकेट केस? इस केस में मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा समेत 10 लोगों को आरोपी बनाया है। सभी के खिलाफ चार्जशीट भी दायर हो चुकी है। राज की गिरफ्तारी से पहले फरवरी 2021 में इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ये आरोपी पोर्न फिल्में बनाते थे और लोगों को फिल्मों और वेब सीरीज के नाम पर दिलाने का वादा करके ठगी करते थे।